गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास बीएससी थर्ड ईयर, टॉपिक है सुगर कैन लीफ हॉपर। आज हम 2.2 लीफ हॉपर के बारे में पढ़ेंगे। पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली फल्गोरिडी, जीनस पायरेला और स्पीसीज है परप्यूसिल्ला। इसका एक्सटर्नल फीचर देखेंगे। यह कीड़ा हल्के पीले या भूसे जैसे रंग का होता है। कैसा? भूसे की तरह रंग का होता है तथा बहुत सक्रिय होता है। इसके शरीर की लंबाई लगभग 8 से 10 एमएम होती है और इसके सिर पर भली भांति विकसित आंखें पाई जाती हैं, यानी पूर्ण तरह से विकसित आंखें पाई जाती हैं और इसकी लंबाई होती है 8 से 10 एमएम। सिर आगे की ओर बढ़कर थूथन मींस स्नाउट जैसी संरचना बनाता है। इसके शरीर में एक जोड़ा सफ़ेद भूरे मोम की परत से ढके एनल प्रोसेसेस पाए जाते हैं। कैसे? मोम से ढके हुए, मतलब जो इसके ऊपर जो परतें लेयर होती हैं वो कैसी होती हैं? मोम जैसी होती हैं, जिन्हें कहते हैं एनल प्रोसेसेस पाए जाते हैं, जो इसे ऊपर नीचे गति करने में मदद करते हैं। अब देखते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री। यह है वर्ष भर प्रजनन करता है। मादा गुच्छों के रूप में पत्ती की निचली सतह पर, कहाँ पर? पत्ती की निचली सतह पर गर्मियों में, किस समय? अप्रैल में, तथा पत्ती की एपिडर्मिस के अंदर सर्दियों में, किस समय? अक्टूबर से नवंबर में अंडे देती है। पत्ती की निचली सतह पर गर्मियों में अप्रैल में और उसकी एपिडर्मिस के अंदर सर्दियों में अक्टूबर से नवंबर में अंडे देती है। एक गुच्छे में लगभग 300 से 500 अंडे होते हैं। एक गुच्छे में कितने होते हैं? लगभग 300 से 500 अंडे होते हैं। इसके अंडे अंडाकार यानी ओवल शेप्ड, चमकीले, हल्के सफ़ेद या हरे रंग के होते हैं। ये सफ़ेद फीते जैसे पदार्थ से ढके रहते हैं, फीता मीन्स रिबन जैसे पदार्थ से ढके रहते हैं, जिसे मादा मल द्वार से स्रावित करती है। किससे सीक्रेट होते हैं ये? मल द्वार, एनस के द्वारा। अंडों के गुच्छे में 3 से 5 लंबी पंक्तियां होती हैं, जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे होंगे। यह डायग्राम में आप देख रहे होंगे, ये जो है लाइन सी बनी हुई है ना, इस तरह से पंक्तियों में ये देखिए, यहाँ पर डायग्राम में ये पंक्तियों में होते हैं, जिसके प्रत्येक पंक्ति में 30 से 50 अंडे होते हैं। गर्मियों में अंडे देने के 7 से 22 दिन बाद, कितने दिन? 7 से 22 दिन, मतलब एक तरह से 2-3 हफ्ते का टाइम लग जाता है बाद अंडों से फटकर यानी हैचिंग होकर निम्फ निकलते हैं। एग से 7 से 22 दिन के बाद हैचिंग होती है और निम्फ बाहर निकलते हैं, किंतु सर्दियों में यह अवधि अधिक होती है। गर्मियों में कितना टाइम लग रहा है? 7 से 22 दिन का, लेकिन सर्दियों में क्या होता है, ये टाइम और ज़्यादा लगता है। सर्दियों में यह अवधि अधिक होती है। निम्फ गंदले सफ़ेद होते हैं तथा उन पर लगभग 1 mm लंबे एनल टफ्ट्स लगे होते हैं। निम्फ पत्तियों का रस चूसते हैं। 5 बार इसमें मोल्टिंग होने के बाद निम्फ इमेगो में चेंज हो जाता है। मोल्टिंग क्या होती है? स्किन का चेंज होना। मोल्टिंग होती है स्किन में चेंज आना और स्टेज का चेंज करना, चेंज होना मोल्टिंग कहलाती है। तो इसमें कितने बार? 5 बार मोल्टिंग होने के बाद निम्फ जो है वो इमेगो में चेंज हो जाता है। इस काम में गर्मियों में 6 से 8 हफ्ते तथा सर्दियों में 4 महीने लगते हैं। ठीक है, गर्मियों में कितने? लगभग 2 महीने लग गए और सर्दियों में 4 महीने लगते हैं। प्रौढ़ नर यानी मेल, एडल्ट मेल एवं मादा का जीवन काल क्रमशः 5 से 7 हफ्ते तथा 5 से 8 हफ्ते होता है।
बरसात के दिनों में इसका संपूर्ण जीवन 40 से 60 दिनों में ही पूरा हो जाता है। ये पाया गया है कि इसकी एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई 4 पीढ़ियां पाई जाती हैं, और ये कह पाना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सी पीढ़ी कब प्रारंभ हुई और समाप्त हुई। ठीक है, ये डायग्राम हो गया और इसकी लाइफ हिस्ट्री हो गई। इसके बाद है हानि, ये किस तरह से हानि पहुंचाता है। इस कीट के निम्फ और प्रौढ़ दोनों रोस्ट्रम द्वारा गन्ने के मांसल कोमल तथा रसीले पत्तियों का रस चूसते हैं, जिसके फलस्वरूप पत्तियां हल्की पीली पड़कर सूख जाती हैं। ये कीड़े पारदर्शक मीठा चिपकना द्रव स्थापित करती है, जिसे हनी ड्यू कहते हैं। हनी ड्यू हानिकारक फंजाई को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो कि पत्तियों के ऊपर काले काले चकत्ते बना देते हैं। इससे प्रकाश संश्लेषण की रेट जो होती है वो कम हो जाती है और पौधे को कम भोजन प्राप्त होता है। इस कीट के आक्रमण से चीनी की मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों ही प्रभावित होती हैं। सुक्रोज की मात्रा 2 से लेकर 5% की तथा कुल चीनी उत्पादक में 35% तक की कमी आ जाती है। इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल, बचाव एवं नियंत्रण। अंडों को एकत्र कर उनके ऊपर फिनाइल या पानी डालकर या जमीन में गाड़कर जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। पीड़क रोधी जातियाँ ही बोनी चाहिए। पीड़क रोधी मतलब जिनमें इंसेक्ट नहीं लगते, जैसे CO-385। मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा भलीभांति संतुलित होनी चाहिए, 0.25% एंडोसल्फॉन या 0.025 फेनिट्रोथियन स्प्रे करना अधिक प्रभावकारी होता है। फसल पर 5 से 10% बेंजीन हेक्साक्लोराइड पाउडर सितंबर के अगले महीनों में छिड़कना पीड़क को नष्ट करता है। 0.12% से 0.25% एग्रोसाइड का घोल 30 से 60 गैलन प्रति एकड़ में छिड़कना भी पूर्णतः प्रभावकारी है। 0.01% एड्रिन इमल्शन 500 लीटर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। ये सब इसका हो गया बचाव एवं नियंत्रण। तो सुगर केन और ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे रोडेंट्स। ओके, थैंक यू।